रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे दंपत्ति की डॉक्टर व स्टाफ के द्वारा जमकर पिटाई, वीडियो वायरल। नमस्कार, एमएसएस न्यूज के साथ मैं हूं धीरज मिश्रा। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले इन डॉक्टरों की ये करतूत देखकर आंखें नम हो जाएंगी। वाह रे सरकारी महकमा, पुलिस दरोगा का तांडव तो आपने बहुत देखा, अब देखिए डॉक्टरों का तांडव। सोनभद्र जिले के संयुक्त जिला चिकित्सालय में अपने रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे दंपत्ति की डॉक्टर व स्टाफ के द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई और मरीज का पर्ची व रिपोर्ट भी फाड़ दिया गया। दरअसल इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि जब वह डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जांच के लिए 19 नंबर कमरे में भेजा और वहां से पुनः डॉक्टर के कमरे में भेजा गया। इस तरह मरीज दो तीन चक्कर लगाने के बाद डॉक्टर से पूछा कि हम लोग बेवकूफ हैं जो बार बार यहां से वहां दौड़ाया जा रहा है, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा मरीज के साथ ही दंपत्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। जी पूरा मामला, हम आए थे अपने फूफा को दवा कराने, तो बोले कि दवा वा लेकर चले आए, उसके बाद बोले कि 14 नंबर में जाइए। 14 नंबर में से आए तो बोले कि फिर 19 नंबर में जाए। 19 नंबर में गए तो बोले कि आप बार बार आ रहे हैं, वो इसमें भेज रहे हैं, वो इसमें भेज रहे हैं। उसके बाद उसी पर मारने लगे वो लोग, और सारे डॉक्टर हॉस्पिटल के लपट कर मारे हैं हमको। पोता में भी हमारे मारे हैं सर 1 लाख। इस जहाँ पर हम खड़े हैं पूरे डॉक्टर हमको लपट कर मारे हैं अभी, और महिला पर भी हाथ छोड़े, हमारे बीवी पर भी। इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने मरीज को ही दोषी बताया और डॉक्टर को अच्छे स्वभाव का बताते हुए अचानक हुई घटना बताया। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने इस मामले में जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात की। इस बारे में मैंने मरीज से भी बात किया और डॉक्टर अनुराग जो ईएनटी सर्जन है उनसे भी बात किया, और मरीज ने तो आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब ने हाथापाई की, लेकिन डॉक्टर साहब से भी जो जानकारी सही थी उसमें डॉक्टर साहब ने दो तीन बार देखा और ब्लड प्रेशर शुगर नपवाने के लिए भेजा, और ब्लड प्रेशर और एलसीडी में जाकर वो अपना चेकअप करा कर आया, और इसके बाद उसने जो है फिर अब शब्दों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि भाई बाहर जाओ, उसने हाथ पहले छोड़ दिया, डॉक्टर साहब के ऊपर हमला किया, तो डॉक्टर साहब ने भी जो कुछ हल्का फुल्का हाथापाई हुई है तो वो आकस्मिक रूप से हो गई है, और डॉक्टर साहब का वैसे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। क्योंकि पेशेंट तो इलाज के लिए आता है, हर डॉक्टर संवेदनशील होता है कि वो मरीज की पूरा भलाई करे, अच्छे से इलाज करे। डॉक्टर साहब भी स्वाभाविक रूप से ठीक हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, बाय द वे किसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। सर हम दोनों आज भी गए थे अंदर। कहाँ गई थी? वहाँ गए थे दवा लेने, तो बोले कि बार बार तुम लोग आ रहे हो, इसमें नहीं मिलेगा उसमें जाए, जो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं तो उधर के आदमी इधर भेज रहे हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग चूतिया हैं, बार बार सर क्यों दौड़ा रहे हैं, हमारा मरीज इतना मतलब जख्मी हालत में, उसको दवा हम लोग कराना है, तो वो बाहर निकल के लगा मारने, बाहर आके मारा है डॉक्टर को, पूरा डॉक्टर लोग मिल के मारे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? किसको मारे हैं? किसको मारे हैं? हमको भी, इनको भी, जो जितनी औरत है सबको भी चोट लगा है छुड़ाने में। हमारे पास बस यही साथ में आए हैं हमारे आदमी। क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं सर कि ऐसा ही होता है हॉस्पिटल में, कि हम लोग गरीब हैं, आए हैं गरीब ही जान के ना इसमें आते, अगर पैसा होता तो प्राइवेट में दवा नहीं कराते, तो ये लोग, हम लोग गरीब जान के आए हैं यहाँ पे दवा कराने, तो ये लोग मारेंगे।